भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मानना है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार व नगर निगम में भाजपा सत्तासीन हुई है, शिमला शहर का विकास जो है वो पूर्णतः ठप हो गया है और पूर्व नगर निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी जो है भाजपा की सरकार व नगर निगम पूर्ण करने में जो है पूर्णतः विफल रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि वर्ष 2015 के अंदर तत्कालीन सरकार व नगर निगम के द्वारा शिमला शहर के लिए जो है एक बहुआयामी रोपवे की योजना टूटीकंडी से मॉल रोड के लिए जो है वो स्वीकृत की गई थी और जून 2015 में इसका जो है वो शिलान्यास किया गया था। इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार के द्वारा धर्मशाला से मैक्लोडगंज व हिमानी चमुंडा के लिए भी जो है एक वो रोपवे की परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत की गई थी। परंतु आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश की सरकार व नगर निगम शिमला शहर के लिए तो जो है रोपवे की इस परियोजना पर कार्य जो है वो आरंभ नहीं कर पाई है, और जबकि धर्मशाला से मैक्लोडगंज की जो रोपवे है वो आरंभ कर दी गई है। तो इससे प्रदेश सरकार, नगर निगम व प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्री व शिमला शहर के विधायक भी है उनकी भेदभावपूर्ण जो कार्यशैली है वो जो है स्पष्ट होती है। और जिस प्रकार से आज शिमला शहर का विकास जो है वो सरकार व नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, वो केवल मात्र जो है सरकार के चेते ठेकेदारों व चंद जो भाजपा के लोग हैं उनके फायदे को ध्यान में रखकर ही जो है शिमला शहर का विकास किया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं शिमला शहर की जो हरियाली है, जो सुंदरता है, उसको जो है कंक्रीट के डंगे लगाकर जो है सरकार के द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है। तो इससे जो शिमला शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो शहर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों की रानी का खिताब जो इसको मिला है वो जो है पूर्णतः समाप्त हो रहा है। तो पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के जो अनियोजित विकास है उस पर जो है सरकार तुरंत रोक लगाए और जो पूर्व के जो नगर निगम के द्वारा जो कार्य और योजनाएं जो शहर के विकास के लिए बनाई है उनको जो है युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए उनको पूर्ण किया जाए। और इसके साथ साथ यदि सरकार जो है समय रहते इन योजनाओं को जो है पूरा करने का कार्य नहीं करती है तो सीपीएम जो है वो शहरवासियों से अपील करती है कि भाजपा की सरकार की जो ये भेदभावपूर्ण शहर के प्रति नीतियां हैं, नगर निगम की जो ये नीतियां हैं, इनके विरुद्ध जो है संगठित होकर जो है वो आंदोलन चलाया जाए ताकि इस शिमला शहर के गौरव को जो। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।